हेलो एवरीवन, वेलकम टू कुलदीप क्लासेस। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? इस समय की सबसे बड़ी न्यूज़ अगर मैं आपको बताऊं तो J&K एडमिनिस्ट्रेशन ने 11 एम्प्लॉइज़ को जो है वो टेररिस्ट ग्रुप के साथ लिंक होने की वजह से डिसमिस कर दिया है। फ्रेंड्स, ये इस समय की सबसे बड़ी न्यूज़ है। तो आइए समझते हैं इस पूरी न्यूज़ के बारे में, ये कौन कौन से मेम्बर हैं और जो आपके अगर आप किसी भी स्टेट PCS या UPSC या किसी भी स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये न्यूज़ काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल है या गवर्नमेंट को कौन सा आर्टिकल जो है वो पावर देता है किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को डिसमिस करने की। क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय को आपको पता है कि किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को डिसमिस करना कोई ईजी बात नहीं होती है, तो इसीलिए ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल जो है वो गवर्नमेंट को पावर देता है टू डिसमिस द गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो आइए पूरी न्यूज़ को समझते हैं। फ्रेंड्स, जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन डिसमिस 11 एम्प्लॉयज़ फ्रॉम सर्विस ओवर अलेग्ड टेरर लिंक्स। तो ये एक न्यूज़ है कि जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ने डिसमिस कर दिया है 11 एम्प्लॉयज़ को सर्विस से, और उनके ऊपर एलिगेशन क्या लगाया गया है कि उनके साथ टेरर लिंक हैं। ओके, आइए अब हम देखते हैं कि कौन कौन से ये पर्सन्स कौन कौन से पर्सन थे, कौन कौन से डिपार्टमेंट से थे और कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है जो गवर्नमेंट को पावर देता है टू डिसमिस द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। क्योंकि आप समझते हैं कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय को डिसमिस करना आसान नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, जब भी मैं किसी गवर्नमेंट की बात करता हूं तो आपको समझ आ जाना चाहिए, क्योंकि अभी तो जम्मू कश्मीर एक यूटी है, तो यूटी में कोई गवर्नमेंट नहीं है। यहां पे अब जो जम्मू कश्मीर को जो गवर्न कर रहे हैं वो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी कर रहे हैं। इन ए मेजर डेवलपमेंट, जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट हैज़ सैक्ड 11 गवर्नमेंट एम्प्लॉयज इंक्लूडिंग हिजबुल मुजाहिदीन चीफ सैयद सलाहुद्दीन टूसन। हिजबुल मुजाहिदीन के जो चीफ हैं सैयद सलाहुद्दीन, उनके दो बेटे जो हैं वो भी जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन में थे, उनको भी जो है वो डिसमिस कर दिया है। फॉर हैविंग, किनके लिए डिसमिस किया है उनको? फॉर हैविंग लिंक्स विद टेररिस्ट ग्रुप्स और एंटी नेशनल एलिमेंट्स। टेररिस्ट ग्रुप्स के साथ उनके लिंक होने की वजह से उनको जो है वो जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ने डिसमिस कर दिया है। सलाहुद्दीन इज ऑल्सो द, और अगर मैं आपको बताऊँ ये सैयद सलाहुद्दीन कौन है, तो सैयद सलाहुद्दीन इज आल्सो द चीफ ऑफ यूनाइटेड जिहाद काउंसिल। जो यूनाइटेड जिहाद काउंसिल है उसके भी चीफ हैं। एन अमलगेशन ऑफ टेरर ग्रुप्स विच हैज़ अनलैश्ड टेरर एंड ब्लड शेड इन कश्मीर फॉर लास्ट सेवरल ईयर्स। कई सालों से जो है वो जम्मू कश्मीर में टेरर और ब्लड शेड के जो हमले हैं इस टेरर ग्रुप ने जो है वो करवाए हैं, सैयद सलाहुद्दीन जिसके चीफ हैं। ठीक है, तो सैयद सलाहुद्दीन के दो बेटे जो हैं वो जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन में थे, वो जम्मू कश्मीर की प्रेजेंट गवर्नमेंट ने जो है उनको डिसमिस कर दिया है। तो आइए आगे हम बात करते हैं द डेजिग्नेटेड गवर्नमेंट कमेटी। तो गवर्नमेंट ने ये सारा कुछ प्रोसेस जो हुआ है, ये हुआ कैसे है जो मैं आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को डिसमिस करना इतना आसान नहीं होता है। तो फिर अगर ये गवर्नमेंट ने 11 एम्प्लॉयज़ को डिसमिस किया है तो फिर ये किस बेसिस पे किया है, कैसे किया है, आइए समझते हैं। द डेजिग्नेटेड गवर्नमेंट ने क्या किया, जो एट ए प्रेजेंट गवर्नमेंट है हमारी यूटी की, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, एक गवर्नमेंट कमेटी बनाई इन द यूनियन टेरेटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फॉर स्क्रूटनाइजिंग एंड रिकमेंडिंग केसेस अंडर आर्टिकल 311 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये जो आर्टिकल 311 है, मैं आपको इसके बारे में बता दूं, तो आर्टिकल 311 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये गवर्नमेंट को पावर देता है टू चेक द उनका जो डाटा है, किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय का पीछे का कैसा डाटा रहा है, उन्होंने कहीं करप्शन तो नहीं की है, टेरर लिंक्स तो नहीं है, देश के खिलाफ तो नहीं चल रहे हैं। तो ये आर्टिकल 311 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है वो गवर्नमेंट को पावर देता है उनका डाटा जानने की और गवर्नमेंट को उनके खिलाफ कोई भी एक्शन लेने की। ठीक है, तो यहाँ से आप ये याद रखना कि आर्टिकल 311 जो है वो गवर्नमेंट को पावर देता है कि अगर कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है वो गलत साबित होता है या देश के विरुद्ध कोई काम करता हुआ साबित होता है तो उसको गवर्नमेंट जो है वो डिसमिस कर सकती है। तो दिस इज़ ए इम्पॉर्टेंट आर्टिकल,
पेपर के हिसाब से आपको ये आर्टिकल इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो किसी भी अगर कम्पिटेटिव एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये सब करंट अफेयर्स में ये जो आती हैं चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं, तो फिर आर्टिकल 311 के बेसिस पे गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई थी यूनियन टेरेटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में, और उस कमेटी ने जो सेकंड मीटिंग हुई, उस कमेटी की जो सेकंड मीटिंग हुई उसमें उसने तीन एम्प्लॉय को डिसमिस करने के लिए कहा, और जो फोर्थ मीटिंग हुई उसमें उसने 8 एम्प्लॉय को डिसमिस करने के लिए कहा। यानी टोटल जो है वो 11 एम्प्लॉय को जम्मू कश्मीर यूटी की एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है वो डिसमिस करने का आर्डर दे दिया है। और क्यों दिया है? क्योंकि उनके जो है वो टेरर के साथ लिंक पाए गए हैं। फॉर देयर डिसमिसल फ्रॉम द गवर्नमेंट सर्विस, उनको गवर्नमेंट सर्विस से निकाल दिया जाएगा। अब आगे हम समझते हैं कि ये जो 11 एम्प्लॉयज़ हैं ये कौन कौन से डिपार्टमेंट में से थे। दीज एम्प्लॉयज़ वर डिसमिस्ड अंडर आर्टिकल 311 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अंडर विच नो इंक्वायरी इज हेल्ड एंड डिसमिस्ड एम्प्लॉयज़ कैन ओनली अप्रोच ए हाई कोर्ट फॉर रिलीफ। ओके, तो ये जो आर्टिकल 311 है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये क्या कहता है कि अगर इस आर्टिकल के अंडर किसी भी एम्प्लॉय को गवर्नमेंट डिसमिस कर देती है तो उसके लिए कोई इंक्वायरी नहीं बैठाई जाएगी। जैसे आपको पता है कि किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को सस्पेंड किया जाता है तो उसके लिए इंक्वायरी बैठाई जाती है, फिर इंक्वायरी का जो डिसीजन होता है तो उसको वही माना जाता है। लेकिन अगर आर्टिकल 311 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसी एम्प्लॉय को डिसमिस किया जाता है तो उसके लिए कोई इंक्वायरी नहीं बैठाई जाएगी, वो एम्प्लॉय सिर्फ से सिर्फ जो है वो हाई कोर्ट में जा सकता है अपने रिलीफ के लिए। तो ये आर्टिकल आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इस आर्टिकल को आपको याद रखना है कि 311 आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को डिसमिस किया जाए अगर तो वो उनके लिए कोई इंक्वायरी नहीं बैठती, वो सिर्फ से सिर्फ हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं, अब हम जानते हैं कि आखिर ये कौन कौन से डिपार्टमेंट से एम्प्लॉयज थे। वी हैव बीन प्रिपेयरिंग ए लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स विद J&K गवर्नमेंट हु हैव हैड, तो जम्मू एंड कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा जी, उन्होंने कहा था पहले ही कि हम एक लिस्ट प्रिपेयर कर रहे हैं J&K गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की, हु हैव हैड टेरर लिंक्स, जिनके टेरर के साथ लिंक्स हैं एंड आर इन द गर्ब ऑफ ए गवर्नमेंट जॉब हेल्पिंग टेरर ग्रुप्स विद सेंसिटिव इंफॉर्मेशन एंड लॉजिकल सपोर्ट। उन्होंने कहा था कि आखिर हैं वो गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में, लेकिन वो जो टेरर लिंक हैं उनको हेल्प प्रोवाइड कर रहे हैं और गवर्नमेंट में रह करके जो है वो गवर्नमेंट की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन और लॉजिकल सपोर्ट जो है वो टेरर लिंक को दे रहे हैं। द लिस्ट ऑफ द सेक्ट J&K एम्प्लॉयज इज जस्ट ए टिप ऑफ द आइसबर्ग विद मोर इन द पाइपलाइन सोर्स विद इन J&K गवर्नमेंट टोल्ड। तो J&K मनोज सिन्हा ने यह भी कहा है कि ये जो 11 एम्प्लॉयज को डिसमिस किया है ये तो सिर्फ अभी स्टार्टिंग है, अभी बहुत सारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके खिलाफ जो है वो जांच चल रही है। अगर कोई भी एम्प्लॉय जो है वो गवर्नमेंट के खिलाफ या जम्मू कश्मीर स्टेट के खिलाफ या अपने देश के खिलाफ कोई भी काम करता हुआ पाया जाएगा तो उसको जो है वो अंडर आर्टिकल 311 के तहत उसको डिसमिस किया जाएगा। ये एक बहुत बड़ा डिसीजन जो है वो जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा लिया गया है। तो ये सब जो है जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है। J&K लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा इन ए हाई लेवल सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग अर्लियर दिस ईयर हैड टेकन ए स्ट्रांग व्यू ऑन रेडिकल एलिमेंट्स वर्किंग विद इन द जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने एक हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग की रिव्यू करते हुए इसी साल पहले उन्होंने कहा था कि जो भी लोग जो हैं वो जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन में टेरर लिंक्स के साथ या कोई भी देश के खिलाफ या स्टेट के खिलाफ काम करते हुए पाए जाएंगे तो उनके खिलाफ जो है वो सख्त से सख्त एक्शन और उनको अंडर आर्टिकल 311 जो है वो डिसमिस भी किया जाएगा। अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन एंड आर्डर ए स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड चेक बाय द J&K पुलिस CID फॉर ऑल सस्पिशियस एम्प्लॉयज एंड ऑल्सो न्यू हायरिंग फॉर क्रिटिकल पोस्टिंग। तो उन्होंने ये भी कहा था कि जो J&K के अंडर एम्प्लॉयज हैं उनके खिलाफ भी J&K पुलिस की जो CID J&K पुलिस CID है वो उनके जांच करेगी और जो नए एम्प्लॉय रखे जा रहे हैं, जो नए एम्प्लॉय भर्ती हो रहे हैं उनके खिलाफ भी जो J&K पुलिस CID है
वो जांच करती रहेगी कि वो देश के खिलाफ और स्टेट के खिलाफ कोई भी काम ना करें। नेक्स्ट अगर हम बात करें द जे एंड के इंटेलिजेंस चीफ डायरेक्टर जनरल CID, तो जो चीफ CID के जो इंटेलिजेंस चीफ डायरेक्टर जनरल हैं सवेन, हु इज़ ए 1991 बैच IPS, जो 1991 बैच के IPS ऑफिसर हैं, वो इस जो ये मैंने जो आपको बताया एक कमेटी बनाई गई थी जिन्होंने जो जांच कर रही है, तो इस कमेटी के जो डायरेक्टर चीफ डायरेक्टर जनरल थे CID के, वो कौन है? वो 1991 बैच के IPS अफसर हैं। हैज़ लेड द एफर्ट टू क्लीन द सिस्टम ऑफ रेडिकल एलिमेंट्स हु हैव बीन वर्किंग क्लोजली टू असिस्ट द टेरर ग्रुप्स इन द वैली। तो वो अपनी तरफ से बहुत ही एफर्ट जो है वो लगा रहे हैं सिस्टम को क्लीन करने के लिए, जो ऐसे रेडिकल एलिमेंट्स हैं जो काम कर रहे हैं टेरर ग्रुप्स के लिए जम्मू कश्मीर में, ठीक है, तो उनके खिलाफ जो है वो जांच तेज़ी से चल रही है। नेक्स्ट अगर हम बात करें द 11 एम्प्लॉयज हु हैव बीन डिसमिस्ड आर फ्रॉम द जम्मू एंड कश्मीर पुलिस, उनमें से जो है वो 11 एम्प्लॉयज जो डिसमिस किए गए हैं उनमें से जम्मू कश्मीर पुलिस से हैं, एजुकेशन से हैं, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से हैं, स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से हैं, पावर एंड हेल्थ डिपार्टमेंट से हैं एंड शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट जो मेडिकल साइंस का है वहाँ से भी जो है वो कुछ एम्प्लॉय जो हैं वो हैं, जो 11 मेम ये टोटल 11 एम्प्लॉयज बनते हैं सारे डिपार्टमेंट से जिनको डिसमिस किया गया है। और ये एम्प्लॉयज़ अगर मैं बताऊँ कि कहाँ कहाँ से हैं, तो ये जो एम्प्लॉयज़ हैं वो 4 आर रेजिडेंट्स ऑफ अनंतनाग, 4 एम्प्लॉयज अनंतनाग से हैं, 3 फ्रॉम बुड़गाम से हैं, 1 फ्रॉम बारामूला, 1 जो है वो बारामूला, श्रीनगर, पुलवामा से और कुपवारा डिस्ट्रिक्ट से है, ऐसा ऑफिशियल ने जानकारी देते हुए बताया है। नेक्स्ट जो अगर हम मैं आपको बताऊं तो सायद अहमद शकील एंड शाहिद यूसुफ हु आर सन्स ऑफ हिजबुल मुजाहिदीन चीफ एंड वन ऑफ द मोस्ट वांटेड टेररिस्ट सलाहुद्दीन, तो जो मैंने आपको बताया कि जो ये जो मुजाहिदीन चीफ के जो दो बेटे हैं इनको भी जो है वो डिसमिस किया गया है, तो अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर ये इतने बड़े मोस्ट वांटेड टेररिस्ट के बेटे थे तो फिर इनको गवर्नमेंट के अंदर एम्प्लॉयमेंट क्यों मिली थी, जम्मू कश्मीर में इनको एम्प्लॉयमेंट क्यों मिली थी? तो मैं आपको बताऊं कि ऐसा गवर्नमेंट का कहना है कि जब कोई भी टेररिस्ट के जो बच्चे होते हैं, बेटा बेटी जो भी होते हैं बच्चे, तो उनको अपने माँ बाप की सज़ा ना देते हुए गवर्नमेंट उनको मौका देती है कि अगर ये अपना बिहेवियर ठीक रखते हैं या ये अच्छे काम करते हैं तो इनको गवर्नमेंट जो है वो एम्प्लॉयमेंट देगी, लेकिन अगर ये सही रास्तों पे नहीं चलते हैं यानी सही काम नहीं करते हैं तो फिर गवर्नमेंट जो है वो इनको डिसमिस कर देती है, जैसा इनके साथ हुआ है। इनको भी गवर्नमेंट के द्वारा मौका दिया गया था कि ये सुधर जाएं या अपना बिहेवियर ठीक रखें, देश के खिलाफ ना जाएं, लेकिन इनके भी लिंक जो है वो टेररिस्ट के साथ पाए गए हैं और इनको फिर गवर्नमेंट के द्वारा डिसमिस कर दिया गया है। वर आल्सो डिसमिस्ड फ्रॉम सर्विस ऑफ एलिगडी बींग इन्वॉल्व इन टेरर फंडिंग द ऑफिशियल सेट। ऑफिशियल ने ऐसा जानकारी देते हुए बताया है कि इनको टेरर फंडिंग के साथ पाया गया, यानी ये टेरर को फंडिंग करते थे। वन ऑफ देम वॉज वर्किंग विद स्कीम्स शेर कश्मीर, जो मैंने आपको बताया शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस का भी एक एम्प्लॉय था एंड द अदर वॉज इन द एजुकेशन डिपार्टमेंट, और उनमें से कुछ जो है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी थे। नेक्स्ट हम बात करें तो द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हैज़ ट्रैक्ड टेरर फंडिंग ट्रेल्स ऑफ वो द पर्सन, इन दोनों पर्सन जो मैंने आपको बताया शायद ये जो मोस्ट वांटेड टेररिस्ट के जो दो बेटे थे, इन दोनों बेटे को नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने ट्रैक किया और टेरर फंडिंग ट्रेल्स बोथ पर्सन के जो हैं वो टेरर फंडिंग में पाए गए। दे वर इन्वॉल्व इन रेजिंग, रिसीविंग, कलेक्टिंग एंड बढ़ावा देना, रिसीव करना, कलेक्ट करना और ट्रांसफ़र करना फंड थ्रू हवाला। अब ये हवाला जो है वो आपको पेपर में पूछा जा सकता है, ये हवाला क्या होता है? तो मैं आपको बताऊँ, ये जो टेरर ग्रुप्स होते हैं ये जो नॉन बैंकिंग फंडिंग होती है, यानी ये जो नॉन बैंकिंग आप सपोज कर सकते हैं कोई रिसिप्ट वगैरह दे दी और कहा कि वहाँ से पैसा ले लेना, तो यानी नॉन बैंकिंग जो भी पैसों का लेन देन होता है या नॉन बैंकिंग जो भी मनी फंडिंग होती है, पैसे की फंडिंग होती है, उसको क्या बोलते हैं? हवाला बोलते हैं, ठीक है। तो ये ट्रांसफरिंग कर रहे थे फंड थ्रू द हवाला,
transaction for terror activities of the banned Hizbul Mujahideen, the official said. तो ये जो हिजबुल मुजाहिदीन है टेररिस्ट ग्रुप जिसको बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज़ ने बैंड कर दिया है, तो इन हिजबुल मुजाहिदीन टेररिस्ट ग्रुप को ये जो है ये लोग फंडिंग कर रहे थे. ओके नेक्स्ट हम आगे बात करें. द थ्री ऑफिशियल्स अब नेक्स्ट के मैंने आपको एक शेरे कश्मीर यूनिवर्सिटी से बताया, दो टीचर्स बताए, और नेक्स्ट के तीन जो हैं वो थ्री ऑफिशियल्स रिकमेंडेड फॉर डिसमिसल इन द सेकेंड मीटिंग ऑफ द कमेटी. तीन जो है वो सेकेंड मीटिंग ऑफ द कमेटी में रिकमेंड किए गए थे कि तीन ऑफिस गवर्नमेंट एम्प्लॉय को डिसमिस किया जाएगा. इंक्लूडेड एंड ऑर्डरली ऑफ द ITI इन कुपवाड़ा. कुपवाड़ा में जो ITI हैं वहाँ से भी मेम्बर हैं. हु वॉज एन ओवर ग्राउंड वर्क ऑफ टेरर आउटफिट लश्कर ए तैयबा. लश्कर ए तैयबा जो तालिबान के साथ भी मिला हुआ ग्रुप है, उनके साथ भी जो है वो इनके लिंक जे जो ITI इन कुपवाड़ा में ITI है जो कुपवाड़ा में, वहाँ के जो मेंबर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को डिसमिस किया गया है उनका लिंक जो है वो लश्कर ए तैयबा के साथ पाया गया. तो नेक्स्ट अगर हम बात करें, बिसाइड्स हिम देयर वर टू टीचर्स फ्रॉम अनंतनाग इन साउथ कश्मीर. साउथ कश्मीर अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट से दो टीचर्स भी पाए गए हैं हु वर फाउंड इन्वॉल्व इन एंटी नेशनल एक्टिविटीज़. एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ यानी इनका ये कहते थे, ये बच्चों को ये एजुकेशन देते थे कि कश्मीर को भारत से अलग करना है और पाकिस्तान के साथ जोड़ना है. तो ऐसा गवर्नमेंट का कहना है कि ये एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ जो है वो बच्चों को पढ़ाते थे, इसीलिए इन दो टीचर्स को अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट से भी जो है वो डिसमिस कर दिया है. इंक्लूडिंग पार्टिसिपेटिंग सपोर्टिंग एंड प्रोपोगेटिंग सेक्शनिस्ट आइडियोलॉजी ऑफ जमात इस्लामी एंड दुख्तारन ए मिल्लत दे सेट. तो ये क्या करते थे, ये पार्टिसिपेट करते थे, सपोर्ट करते थे और प्रोपोगेट यानी बढ़ावा देते थे ऐसी आइडियोलॉजी जो मैंने आपको बताई कि कश्मीर को जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करना है और पाकिस्तान के साथ जाना है. तो ऐसी जो हैं जमात इस्लामी एंड दुख्तारन मिल्लत के नाम पर जो हैं ये गलत आइडियोलॉजी बच्चों को सिखाते थे, इसीलिए इन दो टीचर्स को भी डिसमिस कर दिया है. नेक्स्ट हम बात करें, द एट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ रिकमेंडेड फॉर डिसमिसल इंक्लूडिंग टू कांस्टेबल्स ऑफ J&K पुलिस. तो ये जो एट एम्प्लॉयज़ बाद में फोर्थ मीटिंग में रिकमेंड किए गए कि इनको डिसमिस कर दिया जाए, तो उनमें से दो जो हैं वो कांस्टेबल हैं J&K पुलिस के. हु प्रोवाइडेड इनसाइड इंफॉर्मेशन एंड लॉजिस्टिकल सपोर्ट टू टेररिस्ट द ऑफिशियल सेड. ओके तो दो जो हैं वो कांस्टेबल्स हैं J&K पुलिस के जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते थे और लॉजिस्टिकल सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करते थे टेररिस्ट को, ऐसा ऑफिशियल ने जानकारी देते हुए बताया है. अगर मैं आपको बताऊं हिजबुल मुजाहिदीन के बारे में, तो हिजबुल मुजाहिदीन कमांडर जो हैं वो किल्ड डे आफ्टर कैप्चर इन J&K. ओके ये करंटली न्यूज़ है कि जम्मू कश्मीर में हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर जो हैं वो पहले कैप्चर किए गए, फिर जब हमारी फोर्सेस ने ये देखा कि आखिर ये यहाँ पे कर क्या रहे हैं, तो उन्होंने वहाँ पे फायरिंग शुरू कर दी और फिर इनकाउंटर में जो है वो ये मारे गए. हिजब उल मुजाहिदीन इज़ ए टेररिस्ट ग्रुप. अब ये हिजब उल मुजाहिदीन है क्या जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ. हिजब उल मुजाहिदीन जो है वो एक टेररिस्ट ग्रुप है जो ऑपरेट करता है इन J&K. इट्स गोल इज़ टू सेपरेट कश्मीर फ्रॉम इंडिया एंड मर्ज इट विद पाकिस्तान. इनका ये कहना है कि हम कश्मीर को भारत से अलग करेंगे और पाकिस्तान के साथ जोड़ेंगे. इट हैज़ बीन डेजिग्नेटेड एज ए टेररिस्ट ग्रुप. और ये हिजब उल मुजाहिदीन जो है इसको टेररिस्ट ग्रुप घोषित कर दिया गया है बाय द यूरोपियन यूनियन. यूरोपियन यूनियन इंडिया हो गया, कनाडा हो गया, यूनाइटेड स्टेट्स हो गई, इन सभी कंट्रीज़ ने जो है इनको टेररिस्ट ग्रुप जो है वो डेजिग्नेट कर दिया गया है. यहाँ पे मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ कि जब ये सारी कंट्रीज़ इनको टेररिस्ट ग्रुप डिक्लेयर कर देती है, लेकिन फिर भी ये जो ग्रुप्स हैं, ये जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, ये पाकिस्तान में अच्छे तरीके से अपने आप को ऑपरेट कर रहे हैं, अपने ग्रुप्स को ऑपरेट कर रहे हैं. इट रिमेन्स ए लॉफुली ऑपरेटिंग ऑर्गेनाइजेशन इन पाकिस्तान. अब ये कानून के विरुद्ध, क्योंकि ये बहुत सारे कंट्रीज़ ने टेररिस्ट ग्रुप डिक्लेयर कर दिया है, तो फिर भी ये कानून के विरुद्ध हो करके ऑर्गेनाइजेशन ये जो है वो पाकिस्तान में ऑपरेट हो रही है. द ग्रुप प्रोफेसर ए रेडिकल लाइट विंग इस्लामिक आइडियोलॉजी. तो ये ग्रुप जो है वो इस्लामिक आइडियोलॉजी पे चल रहा है.
इन 1989 मोहम्मद असान दर, आखिर ये जो ग्रुप है इसको किसने बनाया, कहाँ से ये ग्रुप बना मैं आपको बता दूँ, तो इन 1988 मोहम्मद असान दर ए जमायत ई इस्लामी स्कूल टीचर, ये जमात ई इस्लामी के स्कूल टीचर थे। चूज़ टू क्रॉस, उन्होंने चूज़ किया कि लाइन ऑफ कंट्रोल LOC जो है भारत की इंडिया भारत की जो पाकिस्तान के साथ बाउंड्री है लाइन ऑफ कंट्रोल उसको उन्होंने क्रॉस किया और पाकिस्तान एडमिनिस्टर कश्मीर यानी POK में एंटर कर लिया और फिर इन्होंने पाकिस्तान में ट्रेनिंग ली। ही रिटर्न टू जम्मू एंड कश्मीर और फिर ये जम्मू एंड कश्मीर में वापस आए टू एक्स्टेब्लिश ए हार्ड लाइन स्ट्रगल अगेंस्ट द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन और फिर ये जम्मू कश्मीर में वापस आए एक हार्ड लाइन स्ट्रगल अगेंस्ट द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। ही वॉज ज्वाइंट बाय मोहम्मद अब्दुल्ला, उनको फिर इनके साथ फिर मोहम्मद अब्दुल्ला ने ज्वाइन किया बांगरो अनदर जमात मिलिटेंट, जो एक अनदर जमात मिलिटेंट वर्टन थे, इन द रोल ऑफ मिलिट्री एडवाइज़र एंड बाय अराउंड अप्रैल 1990 द हिजब उल मजुद्दीन वॉज एक्स्टेब्लिश और फिर 1989 के अराउंड हिजब उल मजुद्दीन जो है वो ये जो टेररिस्ट ग्रुप है वो एक्स्टेब्लिश हो गया। अब फ्रेंड्स ये सारी न्यूज़ थी कि जो जम्मू कश्मीर के गवर्नमेंट 11 गवर्नमेंट एम्प्लॉज़ हैं वो जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको डिसमिस कर दिया है और मैं आपको बताऊं ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आपके किसी भी अगर आपका एग्ज़ाम की कंपिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि आपको पता है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय को डिसमिस करना इतना आसान नहीं होता है। तो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है जो गवर्नमेंट को पावर देता है किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को डिसमिस करने की, तो ये सारे न्यूज़ और आपको एग्ज़ाम के रिलेटेड यहाँ से कौन सा क्वेश्चन बन सकता है वो भी मैंने आपको बता दिया। तो अब समय है एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको किसी भी एग्ज़ाम में जो है वो पूछा जा सकता है। विच अमंग द फॉलोइंग इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन J&K, यहाँ पर J&K में सबसे लंबी रिवर कौन सी है। फ्रेंड यहाँ पर एक और मैं बात बताऊँ, इंडस रिवर आपको दिख रहा होगा, इंडस रिवर की बात हम तब करते जब जम्मू एंड कश्मीर एक स्टेट हुआ करती थी, तब लद्दाख वाला पार्ट जो है वो भी जम्मू कश्मीर स्टेट का पार्ट हुआ करता था। तब हम कह सकते थे कि इंडस जो है वो जम्मू कश्मीर की लॉन्गेस्ट रिवर है क्योंकि इंडस जो है वो लद्दाख रीजन से ही फ्लो करती हुई पाकिस्तान में एंटर कर जाती है। लेकिन जब जम्मू कश्मीर एक डिफरेंट ड्यूटी है और लद्दाख एक डिफरेंट ड्यूटी है तब हम ये नहीं कह सकते कि इंडस जो है वो लॉन्गेस्ट रिवर है जम्मू कश्मीर की क्योंकि इंडस जो है वो लद्दाख रीजन से पास करती हुई पाकिस्तान में एंटर करती है, जम्मू कश्मीर में एंटर करती ही नहीं है। तो फिर अब क्वेश्चन आपको बताना है कि जम्मू कश्मीर में UT में सबसे लंबी रिवर कौन सी है, तो जम्मू कश्मीर UT में इसका सही आंसर जो है वो चिनाब रिवर है। चिनाब रिवर जो है वो जम्मू कश्मीर UT में सबसे लंबी रिवर है। तो ये थी फ्रेंड्स अब की एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके रिलेटेड हमारे चैनल पे बहुत सारा मटेरियल अपलोडेड हो चुका है और आगे भी अपलोड लगातार हो रहा है। और जो करंट के टॉपिक रहते हैं, करंट न्यूज़ में टॉपिक रहते हैं, जैसे आपको करंट अफेयर का आपको पता है किसी भी एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा रोल जो है वो हो चुका है, तो करंट न्यूज़ के जो करंट अफेयर्स के टॉपिक हैं उनके रिलेटेड भी हम आपको बहुत सारे जो है वो मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपके साथ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।